गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे साथ आहिल की मम्मा है। ओके, और इनकी स्टोरी मैं बताती हूँ। एक ये मेरे साथ जब से बेबी पैदा हुआ है तब से मेरे साथ है, पर जब डाइट इसका बाहर का शुरू किया तो बीच में वो जो वीनिंग एडवाइस होता है उस टाइम में उसका जरा ब्रेक इन यहाँ पर आई नहीं थी, तो जो डाइट शुरू था अच्छा था, बट बहुत सारी चीजें उसमें मिसिंग थी। ओके, सो लास्ट वो 18 फरवरी को मेरे पास आई है, 18 फरवरी से हार्डली 1 वीक के पहले। एंड जब मैंने उनको बोला कि क्या प्रॉब्लम है डाइट में, जैसे प्रोटीन इनको देना है, ओके, तो उनके मन में थोड़े डर थे रिगार्डिंग अंडा देने का। ओके, तो वो डर मैंने सारे दूर निकाले और इनको सिर्फ ये बताया कि बाकी के डाइट के साथ 2 अंडे हर रोज। आज आहिल वापस आया मुझे मिलने, ही इज 9.36 किलो, यानी ऑलमोस्ट 1.5 किलो एक्स्ट्रा है। और अभी आहिल की मम्मा ही आपको बताएगी उनका एक्सपीरियंस। मुझे तो पहले डर लगता था, बाद में डॉक्टर ने मेरे को समझाया तो मैंने उसका डाइट फिर से दूसरे तरीके से चालू किया। तो मैं उसको रोज सुबह उठ के एक अंडा बॉईल करके स्क्रैम्बल करके जीरा पाउडर डाल के उसको खिलाती हूँ और उसके हाथ में भी देती हूँ, और स्वीट पोटैटो के साथ मैं स्वीट पोटैटो बॉईल करके उसको देती हूँ, वो भी खाता है। दाल राइस दाले जो आपने स्टार्ट की, तूर की दाल, छिलका वाला मूंग की दाल, ये भी मैंने इसको स्टार्ट किया। खिचड़ी बना के देती हूँ, खाता है अच्छे से, मन से खाता है। और अपने हाथ से भी खाने को देती हूँ, अपने हाथ से भी खाने को देती हूँ, और फ्रूट का जूस निकाल के पानी के साथ पिलाती हूँ, सारा फ्रूट देती हूँ, ग्रेप्स देती हूँ, सबका जूस निकाल के पिलाती हूँ उसको। ओके, तो अभी आपको डर लगता है अंडा देने में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता है, दिन में 2 अंडे मैं इसको खिलाती हूँ। वेरी गुड। और अंडे के साथ बाकी का नॉनवेज अभी स्टार्ट किया है? नॉनवेज मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे करके, खाता है। वेरी गुड। ओके, यस, अभी मैंने स्पेशली आहिल के मम्मा से ये बात करवाई क्योंकि बहुत सारी माँ को एक डर रखता है कि अगर बच्चे को ये खाना शुरू करो बच्चे को पचेगा नहीं, बच्चे को हजम नहीं होगा, बच्चे को गर्मी होगी, बच्चे को ये होगा वो होगा। ओके, इस डर के नीचे आप स्टार्ट ही नहीं करते, तो पहले तो स्टार्ट करो। अभी नए स्टडीज ये भी बता रहे हैं कि अगर अंडे जैसी चीज या फिर बादाम जैसी चीज आप जितने जल्दी बच्चे को स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद उतना अच्छा रहता है, एलर्जी के चांसेस भी कम होते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।